I have appeared in ESV submissions many times. Student I have never been able to reach up to interview level. But from my experience, I just want to share some tips which I have got from some years just preparing for public service examinations, appearing in ES examinations, or say preparing for ES examinations. So just sharing my experience from some years I have devoted to the study and preparation of these examinations. I do not know whether these are going to be fruitful to you, whether this will not going to be fruitful to you. I'm just going to, if you find it fine, just follow this. If you do not find it fine, do not follow this. Just a tip from a senior to a junior, nothing more than that. So just I'm going to say my tips for ES examination. ES examination is the most important journal. Previous year aapka. Previous year is very important. Previous year aapke objective ke questions. ऑब्जेक्टिव जो प्री के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जो आपके टेक्निकल ऑब्जेक्टिव के एग्ज़ाम के होते हैं और मेंस में जो आपके सब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं ये आपको बिल्कुल याद की तरह होने चाहिए। आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको याद हो जाए। मेंस के तो एक एक क्वेश्चन को इतनी बार बनाइए कि एक तरह से आपको याद हो जाए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एकदम पेपर में पूरा बना के ही हैं। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ईएस का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा, पिछले 20 साल से वो क्वेश्चन कौन सा मैक्सिमम आ रहा है। भाई मेंस है ना, उसमें लिमिटेड है क्वेश्चन, वो पता ही है कि सर्टेन टॉपिक से वही क्वेश्चन आना है। अब 20 ईयर का देखिएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार 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 है। उसको अलग कीजिए उस टॉपिक को और उसको इतना रगड़िए कि मैं पूछ, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको जस्ट कमांड हो जाए किसी भी हालत में यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है इसके मेंस के लिए कि हम कह नहीं सकते। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इतने सालों से ये क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे क्वेश्चन आप बनाते बनाते याद हो। आपको पता है इससे थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ क्वेश्चन तो भी हम बना देंगे, इतना अपने को प्रैक्टिस करते जाइए। ईएस में प्रीवियस ईयर बहुत है, यही ऑब्जेक्टिव में भी प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईएस के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, इतना प्रैक्टिस आपको करना है कि पूरा कमांड कर लेना। एग्जैक्टली, एकदम बेस्ट सोर्स है ये, जो है ना सबसे बेस्ट टिप है। आपको एकदम प्रैक्टिस करते करते कमांड कर लेना। मेंस के क्वेश्चन जो एकदम पता है कि हर बार ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हो, जब तो एकदम पूरा आपके हर हाल में आपको बना के आना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिलेबस जो है आपका ये इसका वो क्लियर होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि 60-70% में सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आ रहे हैं और मेंस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कीजिएगा ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 60-70% सिलेबस किए और जो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आपको पता है कि इसका ऑब्जेक्टिव भी हमको क्लियर होना चाहिए और मेंस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसे प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस ईयर का देखते रहना, और इसी वजह से ना पूरा सिलेबस को कवर भी करते रहना। 60-70 अंतिम तक आप ले गए ना सिलेबस का, एग्जामिनेशन हॉल तक भी ले गए, तो आप आसानी से निकल जाइएगा। हम अपना एक फ्रेंड जानते हैं जो उसने मतलब ही हैज़ गॉट गुड रैंक और उसने स्टील को टच भी नहीं किया था, स्टील को एकदम टच नहीं किया था, ही हैज़ गॉट गुड रैंक, ही इज़ वर्किंग इन इंडियन रेलवेज। तो मतलब प्रैक्टिकली सही बात बता रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हवा की बात है। आपके प्रीवियस ईयर ही एक तरीका है, इतना रगड़िए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि पूरा मेंस का क्वेश्चन कैसे है, आपको पता है हर साल कौन सा रिपीट हो रहा है, यही ऑब्जेक्टिव प्री में फॉलो करना है। ये तो अलग बात है। अब आजकल होता है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये जनरल साइंस वाला कुछ समय से आ रहा है, कुछ जीके जीएस के भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये अब कुछ समय से पैटर्न है। तो इंग्लिश तो आपको इंटरमीडिएट लेवल का है, मतलब ठीक है, आप इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए, ठीक पढ़िएगा थोड़ा बहुत तो ठीक हो गया। जीके जीएस के लिए वही है कि मतलब अब स्पेशल ईएस करके भी आते हैं साल भर के जीके के लिए, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा तो ठीक है। मतलब ये कोई यूपीएससी आईएएस लेवल का नहीं रहता, बस आपको पता है कि नॉर्मल से आपको नॉलेज होना चाहिए साल भर में कौन कौन सा इवेंट हुआ है, बस इसी लेवल का चाहिए। आपको एकदम नहीं है कि बैठ के सुबह रात और जीके जीएस पढ़ना, इस तरह का नहीं है। आपको बस एक फॉर्मेलिटी मतलब ऊपर टाइप का, उसमें भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते जाइए और उसी वजह से अपना सॉल्व वो कीजिए। और मतलब बुक्स आती हैं ईएस के लिए, मतलब जीके जीएस के वन ईयर के पूरा रहता है, आप उसको पे कवर कीजिए। ज़्यादा आईएएस की तरह नहीं कि दिन भर जीके जीएस में लगे हुए कि, और ये सब गलती तो एकदम ही मत कीजिएगा कि जीके जीएस तो दोनों में ही पढ़ना है, तो ऐसे जीके जीएस पढ़ रहे हैं कि आईएएस के लिए भी ईएस के लिए भी कवर, गलती मत कीजिएगा। इंटरमिंगलिंग मत कीजिए, दो और ब्रांच की मतलब आईएएस ईएस एक ही साथ निकाल रहे हैं, ये सब गलती मत कीजिएगा। सब नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, इस चक्कर में फंसिएगा नहीं, अपना कैरियर हुआ डिस्ट्रॉइंग जस्ट, अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे, इतना सारा वीडियोस डाल चुके हैं कि आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाएगा। ये गलती तो ज़िंदगी में ही नहीं करना कि आईएएस ईएस को मैच करना है दोनों का जीके जीएस, ये गलती करिएगा ही मत। तो बस वही कह रहे हैं आपको कि वो जीके जीएस जस्ट अब ईएस के लिए बुक्स भी आ रहे हैं स्पेशल, तो आप उसको कीजिए। और बस जस्ट नॉर्मल जो होता है ना जीके जीएस, उतना ही देखना है बस,
ऊपर से ही सुपरफिशियली उतना डेप्थ नहीं जाना है, सुपरफिशियली ऊपर से ही उतना डेप्थ नहीं जाना। इंग्लिश इंटरमीडिएट लेवल है, प्रीवियस ईयर देखिए, उसी को जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। अब बचा जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ रेंज है, उसको किसी का भी कोई कोचिंग और कहीं पढ़ के आइए, उसका कोई इलाज नहीं, वो कॉमन सेंस में काम करता है। तो उसके लिए हेडेक मत लीजिए हमेशा। ये चीज़ और एग्जाम का टिप्स है, जिस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं वो कोई सॉल्व नहीं करता है, जो सॉल्व होने वाला है ना उसी में डिसाइड होता है। जैसे 50 क्वेश्चन ईजी है, अब उस 50 जो ईजी में 50 जिसका सही है ना उसी का होगा, जिस 50 में जो 40 करके आ गया ना वो एग्ज़ाम से बाहर हो गया। तो जो नहीं पॉसिबल है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो पॉसिबल है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। ये सब लाइफ का फंडा है, एकदम क्लियर कट है, जो बनने वाला है उसी में बना लेना है पूरा, कि 50 बनने वाला है 50 में 50 कवर किए तभी आप सेलेक्ट हुए, तो उस 50 में 30 या 40 किए ना तो बाहर हो गया। और जो नहीं बनने वाला है वो किसी से नहीं बनने वाला है, उसमें सब में बराबर ही मार्क्स आने वाला है। तो याद रखिए कि अगर जनरल साइंस में बहुत सारा क्वेश्चन आपको लग रहा है थोड़ा अलग है, कोई कोचिंग में जाने के बाद भी हमसे नहीं चेंज आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप इंग्लिश पे कंसंट्रेट कर दीजिए। जीके के लिए जो बताएं कि पूरे साल भर का जीके के लिए स्पेशल एडिशन ईएस के लिए आता है उसको फॉलो कीजिए, सुपरफिशियली पढ़िए, डेप्थ में मत जाइए। और आपको पीटी के लिए बोले हैं कि प्री के लिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्रीवियस ईयर है उसको पूरा रगड़िए। ईएस में प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट है, मत पूछो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस मैटर करता है, मत पूछो। प्रैक्टिस करते करते उस पर कमांड नहीं पाइएगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं। वही मेरा कुछ टिप्स है, आप इसको फॉलो कीजिए, देखिए मतलब ये सब आपके टूल्स हैं। पर यही है कि आप जो हम कह रहे हैं ना, प्रैक्टिस का लेवल होना चाहिए, मतलब एकदम 100/100, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है और सीट इतना कम होता है कि मतलब आप सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, आपको बदलना, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने सोच को परफॉर्मेंस में। आपको बिल्कुल पूरा कमांड कर लेना है सारे टॉपिक्स पे, और तबाह मतलब जो रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हर साल आ रहा है, तो अगले यार आपके सर तो आपको बना देना है। ये नहीं कि वो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आप 8-9 नंबर ला रहे हैं, नहीं, 10/10 वो सारे क्वेश्चन पूरे, क्योंकि कट ऑफ इतना है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं अब उस जमाने में, मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं, लड़के मतलब हद कर रखे हैं। तो आप इस तरह लेके नहीं चल सकते कि अच्छा मतलब ठीक है 10 में दैट क्वेश्चन आई गॉट 6 मार्क्स इन 10 क्वेश्चन आई विल बी सिलेक्टेड, ये सब सपना मत देखिए। मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल खत्म हो चुका है, सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टफ है, और आप समझ रहे कट ऑफ इतना ऊपर जा चुका है कि इस तरह का गलती करना ही नहीं है, 100/100 चाहिए, और प्रैक्टिस से हो जाता है, मुश्किल काम नहीं। अब वही क्वेश्चन हर बार आया तो इस पर भी आप क्यों नहीं ले आइएगा 10 में 10, तो आप वही ना प्रैक्टिस कीजिए, ले आइए, छोड़ दीजिएगा तो फिर देखिए मेरे से मन में घूमिएगा, वही बात, राय देते रहिएगा, ज्ञान देते रहिएगा, वही बात। तो जस्ट हम जो कह रहे हैं प्लीज़ फॉलो इट, अगर आपको अच्छा लगता है तो पक्का फॉलो कीजिए, एंड जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर जितना हो सके रगड़ दीजिए, याद कर लीजिए 100%। बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम।